रहस्य एक खुशहाल जीवन का, खुशी का, सफलता का। नमस्कार दर्शकों, मैं इप्सिता असवाल स्वागत करती हूं आप सभी का आज की हमारी खास वीडियो में। आप सभी लोग एक खुशहाल जीवन जीना जरूर चाहते हैं, लेकिन अक्सर जीवन में खुशी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती और आपके जीवन की परेशानियां आपको बेहद परेशान कर देती है। उस वक्त आपको ऐसा लगता होगा कि आप ऐसा क्या करें जिससे आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएं। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे अपने दुखी समय में आप अपने दुख से दूर हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की खास वीडियो को। सबसे पहले तो दर्शकों, ये जानना जरूरी है कि दुख हमारे जीवन में आते क्यों हैं। अक्सर लोग ये असमंजस में रहते हैं कि आखिर दुख उनके जीवन में आ क्यों रहे हैं, और वो अपने जीवन की दूसरों की खुशी से तुलना करने लगते हैं। लेकिन ऐसा करने से और भी ज्यादा दुख होता है। आपको बता दे, हर किसी के जीवन जीने का तरीका अलग होता है, इसीलिए हर किसी के दुख और सुख भी अलग होते हैं। तो किसी को देखकर अपने जीवन की तुलना करना गलत होता है। बड़े बड़े फिलोसोफर्स इस बात को कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख और सुख ऋतुओं की तरह बदलते रहते हैं। जैसे एक ऋतु अपने निर्धारित समय तक ही रहता है, वैसे ही हमारे जीवन में सुख और दुख भी एक निर्धारित समय तक ही रहते हैं। कभी दुख आएंगे और कभी सुख आएंगे। हमें जीवन की इस सच्चाई को अपनाना ही पड़ेगा। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो आइए आपको बताते हैं कि इसे आकर्षण का नियम भी कहा जाता है। और इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में हम जो भी सोचते हैं अक्सर हमारे साथ वही होता है। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हम दिन भर पैसे, ऐश और आराम का ही सोचते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में ये सब कुछ क्यों नहीं आता है। दरअसल दर्शकों, हमारे दिमाग दो तरह के होते हैं, कॉन्शियस माइंड जिसे हम चेतन मन भी कहते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड जिसे हम अवचेतन मन भी कहते हैं। और अक्सर जो हमारे अवचेतन मन में चल रहा है वही हमारे जीवन में घटता है। बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो इस बात का पूरा प्रमाण देती है, और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में आकर्षण के नियम को महसूस किया है और बदलाव भी देखा है। और बहुत से महान लोगों का भी कहना है कि अगर हमारे दिमाग में पॉजिटिविटी है तो हमारा जीवन भी पॉजिटिव होता है, वहीं अगर हमारे दिमाग में दिन भर नेगेटिव बातें चल रही हैं तो हमारा जीवन बेहद ही परेशानी में बीतता है। इसीलिए अक्सर लोग कहते हैं कि हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में भी अक्सर एक बात कही जाती है कि अगर किसी की बोली हुई बात सच हो जाए तो इसका अर्थ है उसके कंठ में स्वयं सरस्वती जी का वास है, जिसके कारण वो जो भी कुछ बोलता है वो सच हो जाता है। इसी को थोड़ा साइंस से जोड़कर आकर्षण का नियम बनाया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कुछ ऐसी बातें जो आपको पॉजिटिव सोच रखने में मदद करेंगी। सबसे पहले तो आपको अपनी दिनचर्या बदलनी होगी। अगर आपकी दिनचर्या में बुरी आदतें हैं तो ऐसा अक्सर होता है कि हमारे जीवन में नकारात्मक सोच भी आपके दिन में आ जाती हैं। जैसे ही आपके दिनचर्या में अच्छी आदतें जुड़ेंगी तो सकारात्मक ऊर्जाएं अपने आप ही आपके जीवन में आएंगी। दूसरी बात आपको बताएं कि अपने आसपास सकारात्मक लोग रखने होंगे, क्योंकि अगर आपकी दोस्ती ऐसे लोगों से है जो दिन भर बस दुख की बात करते हैं या फिर बुरी आदतों से जुड़े हुए होते हैं तो अक्सर उनके इन आदतों का असर आपके जीवन में भी पड़ता है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि अपने आसपास उन लोगों को रखें जो आपके जीवन में आपको अच्छी आदतों की तरफ ढाले। अपने विचारों में मिठास लाएं। अगर आप किसी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो उनकी सोच में आप बुरे हैं, और आकर्षण का नियम तो उनके लिए भी लागू होता है। वो आपके लिए बुरा सोचेंगे और फिर आपके साथ बुरा होता रहेगा।
दर्शकों, ये थी कुछ बातें जो आपके जीवन में अगर आप ढाल लेंगे तो बदलाव आपको खुद ब खुद दिखाई देगा। इसी के साथ अब वक्त हो गया है इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। अगर आपके मन में सवाल आ रहे हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।